हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपक। आपका अपने चैनल दीपक टेक पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात होने वाली है कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन की हेल्प से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, भले वह डॉक्यूमेंट फाइल हो, इमेज फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, या वर्ड फाइल हो, या पीडीएफ फाइल हो, या फिर कोई भी फाइल हो, आप कैसे उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। जल्दी दोस्तों, हम जो प्रिंट आउट निकालते हैं वो निकलने में तो निकल जाता है, लेकिन उन्हीं प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने स्मार्टफोन की हेल्प से, जो कि प्रिंटर्स वाईफाई या ब्लूटूथ पर चलते हैं या फिर उनसे कनेक्टेड होकर हम प्रिंट आउट निकालते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात होगी कि आप कैसे सिंपल प्रिंटर के अंदर वाईफाई या ब्लूटूथ का कोई भी फीचर हमें देखने को नहीं मिलता है, आप उस प्रिंटर से कैसे अपने स्मार्टफोन की हेल्प से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, वो भी एकदम फ्री के अंदर। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जिसकी हेल्प से आप प्रिंट आउट निकाल सकेंगे। तो दोस्तों, उस एप्लीकेशन को आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, आप जो एप्लीकेशन देख रहे हैं उस एप्लीकेशन का नाम है प्रिंट शेयर। तो दोस्तों, आपको इसका प्रीमियम वर्जन इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल के अंदर। दोस्तों, अगर आप सिंपल वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो आप उसे करने में तो कर लेंगे, लेकिन आप मन चाहे डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं कर सकते। मतलब आप जो चाहते हैं कि मैं ये प्रिंट करूँ तो आप वो प्रिंट नहीं कर सकते, आप टेस्ट पेज ही प्रिंट कर सकते हैं। मतलब आपको उसमें दिक्कत आएगी और आप उसमें ढंग से प्रिंट नहीं कर पाएंगे आपके मन चाहे डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों, आपको इसको प्रीमियम वर्जन को इंस्टॉल कर लेना होगा। दोस्तों, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपको इसको इंस्टॉल कहां से करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता देता हूं कि इस प्रिंटर शेयर प्रीमियम इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप कैसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों, मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूं। तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है और अभी ये इंस्टॉल हो चुकी है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपको सिंपली OTG का यूज़ लेना होगा। OTG क्या होता है, यानी आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह का OTG देखने को मिल जाएगा। ये आपको इजीली मोबाइल स्टोर पे मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं, ये 20 या 30 रुपये में आपको मोबाइल स्टोर पे मिल जाएगा। तो आप इसकी हेल्प से इसे यूज़ कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये है HP LaserJet 1018। तो हम इसे पहले इसे ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टार्ट हो चुका है। अब आपको ये जो लीड दिख रही है, ये वाली लीड आप देखिए, इधर आके यहाँ पे इससे कनेक्टेड हो चुकी है ये, यहाँ से। अब इसको आप, ये लीड दिख रही है आपको, ये पूरी लंबी लीड है। इस आपको लीड को क्या करना है, सिंपली अपनी OTG है उसके अंदर इसको सिंपली लगा लेना है। तो मैं इसे लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसे लगा लिया एंड लगाने के बाद में आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में लगा लेना है इसे सिंपली। तो मैंने इसे लगा लिया है। लगाने के बाद में इसे सेटिंग्स पे जाके आपको OTG का ऑप्शन को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली इस एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट पर क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट USB कनेक्ट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आलो प्रिंटर शेयर टू एक्सेस HP LaserJet 1018। आपको इसे ऑलवेज करना चाहे तो कर लीजिए और ओके कर लीजिए। करने के बाद में आपके सामने ये प्रिंटर का नाम आ चुका है जो आपने कनेक्ट कर रखा है। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद में इसे डाउनलोड कर लेना होगा। तो मैं इंटरनेट चालू कर लेता हूँ एंड देन इसे यस करके इसका HP LaserJet यानी आपको जो पर्टिकुलर प्रिंटर है उसका पैक इस पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डाउनलोड होने के लिए, आपको थोड़ा वेट करना होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 12, 13, 14। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे कि प्रोसेसिंग होना ख़त्म होने वाली है, 90% हो चुके हैं, 93, 94, 95, 96, 97। और दोस्तों, डाउनलोड हो चुकी है। आप यहाँ पे स्किप प्रिंट टेस्ट पेज यानी टेस्ट पर प्रिंट करना चाहते हो तो कर लीजिए। मैं इसे स्किप कर लेता हूँ। स्किप करने के बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। दोस्तों, मैं इस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में आप इसमें
इसे कंट्रोल या पेज से ऑप्शन पर जाकर इसे ऑप्शन पर जाकर इसे सेट भी कर सकते हैं, पिक्चर साइज़ वगैरह। आप इसे कलर मोड, डुप्लेक्स मोड, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इसे सेट कर सकते हैं। मैं अभी इसे सेट नहीं कर रहा हूँ और ऐसे आपको प्रिंट करके बता देता हूँ, आपको जब करना हो तो आप अच्छी तरह से इसे कर सकते हैं। तो मैं आप जैसे ही यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर प्रिंटिंग पर आ रहा है कि आपको सारे पेज डाउनलोड करने हैं। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल रहा है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन ओके कर लेना है। एंड देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्टार्टिंग प्रिंटिंग जॉब। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड प्रिंट होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक पन्ना निकलना स्टार्ट हो चुका है और आप देखेगा अभी। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसा कि इसमें प्रिंट हो गया है पूरी अच्छी तरह से, आप इसमें कलरफुल ब्लैक एंड वाइट कैसा भी निकाल सकते हैं अभी। और यहाँ पे होने के बाद में आप यहाँ पे और करना चाहते हो और कर सकते हैं, नहीं तो आप बैक कर लीजिए। तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से इसको यहाँ से कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे फीचर्स मिल जाएंगे इस प्रीमियम के अंदर। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों हम ऐसी टेक्निकल वीडियो लाते रहते हैं, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।